Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to clear you एक बहुत छोटा सा जो confusion होता है कि is, am, are, was, were के साथ में ing form का use होता है या third form use होता है, adjective आता है या noun आता है. Basic learners जो हैं उन्हें कभी कभी confusion हो जाता है, क्योंकि कई जगह पर देखा गया is, am, are, was, were के साथ ing आता है, फिर कहीं पर third form भी दिखता है, adjective और noun. यही कन्फ्यूजन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आज क्लियर करने का. सो चलिए हम देखते हैं, वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको. पहले हम एम के साथ देखते हैं. एम के साथ जो होता है आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा होता है, आप देख सकते हैं यहाँ. आई एम गोइंग मतलब होता है मैं जा रहा हूँ. आई एम कमिंग मैं आ रहा हूँ. आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ. आई एम स्लीपिंग मैं सो रहा हूँ. हिंदी में जो है वो यहाँ पर रहा हूँ का आवाज़ जिसे आप ज़रूर याद रखें. एम के साथ आई एन जी फॉर्म आ रहा है तो आप देख कर समझ सकते हैं उसका हिंदी में मतलब होता है रहा हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये. आप अपने खुद के और भी सेंटेंस बना सकते हैं. याद रखें यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करना है. एम के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है कभी भी. एम के साथ आई एन जी फॉर्म का ही यूज़ होता है. आई एम गो, आई एम कम, आई एम प्ले, आई एम ईट, ये गलत सेंटेंसेज हैं, ध्यान रखिए. सब में आई एन जी का ही यूज़ आपको करना है. यदि वर्ब आ रही है तो आपको आई एन जी फॉर्म यूज़ करना है. वर्ब क्रिया कहते हैं जिन्हें हम, ऐसे शब्द जो हमारे काम बताते हैं, जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, इन्हें हम वर्ब्स कहते हैं. इसकी मैंने ब्रीफ में जो है डेफिनेशन एक्सप्लेन की है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर उसे. नेक्स्ट हम देखते हैं आई एम गुड. गुड जो है एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो हमारी क्वालिटी बताते हैं. वर्ब जो हमारे काम बताती है और एडजेक्टिव जो होते हैं वो हमारी क्वालिटी बताते हैं. दोनों अलग अलग शब्द हैं, इसे ज़रूर याद रखें आप. इंग्लिश में 8 तरह के अलग अलग शब्द होते हैं जिनसे मिलकर भाषा बनती है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेंक्शन. इन 8 शब्दों से मिलकर इंग्लिश भाषा तैयार होती है. तो आपको सभी के बीच का अंतर मालूम होना ज़रूरी है. यदि आप इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इसका जो वीडियो है मैंने अलग से बनाया है वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं. तो गोइंग और गुड दोनों अलग अलग शब्द हैं, ध्यान रखिए. गोइंग वर्ब है और गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव में आईएनजी नहीं जुड़ते हैं हम लोग, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो सिंगल वर्ड होता है, इसकी कोई फॉर्म नहीं होती है. आई एम गुड मैं अच्छा हूँ. आई एम ऑनेस्ट मैं ईमानदार हूँ. आई एम हार्ड वर्किंग मैं मेहनती हूँ. इस तरह से आप देख सकते हैं जो शब्द हमारी क्वालिटी बताते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. वर्ब आ रही है तो फिर आईएनजी फॉर्म के साथ में आएगी, और अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो आपको डायरेक्टली यूज़ करना है, इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होगा. नेक्स्ट है आई एम अ टीचर. मैं एक शिक्षक हूँ. टीचर जो है वो एक नाउन है. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. टीचर जो है एक व्यक्ति है, और नाउन भी जो होता है उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होता और डायरेक्ट आते हैं. तो मैं एक टीचर हूँ तो इसके लिए होगा आई एम अ टीचर. आई एम अ सिंगर, आई एम अ डांसर, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं. ऐसे आपको इतना याद रखना है यहाँ पर, वर्ब अगर आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है, एडजेक्टिव और नाउन अगर आ रहे हैं तो दोनों ही डायरेक्ट आते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, आई एम टॉट. टीच, टॉट, टॉट, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मैंने यूज़ किया है. इज, एम, आर, वाज, वर के साथ में जब थर्ड फॉर्म आता है तो आप वहाँ पर देख कर समझ सकते हैं कि वो पैसिव वाइज स्ट्रक्चर का सेंटेंस बना हुआ है. तो आई एम टॉट का मतलब होगा मुझे पढ़ाया जाता है. पैसिव वॉइस में सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही हम जो है यूज़ करते हैं. जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है कई बार एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, उसके लिए खैर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा जो पार्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वर्ब का. अभी आप यहाँ पर याद रखिए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो आप समझ जाइएगा एम के बाद कि वो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का सेंटेंस है. इसके लिए आपको पूरा पैसिव वॉइस सीखना पड़ेगा. आप यदि चाहते हैं तो पैसिव वॉइस का लिस्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, अलग से लिस्ट, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे पैसिव वॉइस के आपको वीडियोस मिल जाएंगे. आई एम टॉट मतलब मुझे पढ़ाया जाता है. एक सेंटेंस और होता है आई एम बीइंग टॉट. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के अंदर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. आई एम बीइंग टॉट इसका मतलब होगा मुझे पढ़ाया जा रहा है. एम के साथ यहाँ आई एन जी यूज़ हुआ है, फिर थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, दोनों ही पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर होंगे, आप देख सकते हैं. फिर से देखते हैं एक बार. आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ. आई एम गुड यानी मैं अच्छा हूँ. आई एम अ टीचर नाउन है, मैं एक टीचर हूँ. आई एम टॉट मुझे पढ़ाया जाता है, और आई एम बींग टॉट मतलब मुझे पढ़ाया जा रहा है.
नेक्स्ट हम देखते हैं ही शी इट और सिंगुलर नाउन। एस एन का मतलब होता है सिंगुलर नाउन की यदि हम बात कर रहे हैं तो उनके साथ फिर इज यूज़ होता है। आई एन जी, थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव और नाउन सभी यूज़ होंगे। मैंने सेम टू सेम जो है एम के साथ जैसा बताया है वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर भी वहाँ लिखा था आई एम गोइंग, यहाँ पर ही के साथ में जो है ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज़ का यूज़ हम करते हैं। तो पहला सेंटेंस है ही इज़ गोइंग, मतलब वह जा रहा है। ही इज़ कमिंग, ही इज़ ईटिंग, ही इज़ डांसिंग, इस तरह से जो है आप सेंटेंस बना सकते हैं। हिंदी में आपको देख सकते हैं रहा है का आवाज आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आईएनजी का जो मीनिंग होता है वो ज़्यादातर कंटिन्यूअस टेंस में ही यूज़ होता है जहाँ पर हिंदी में रहा का आवाज आता है। नेक्स्ट आई एम गुड था, यहाँ पर हो गया ही इज़ गुड, मतलब वह अच्छा है। आई एम अ टीचर, यहाँ हो गया ही इज़ अ टीचर, वह एक शिक्षक है। आई एम टॉट, मुझे पढ़ाया जाता है, यहाँ हो गया ही इज़ टॉट। तो इसके साथ में आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ होगा। बिल्कुल सिंपल है, जैसा आप पिछला मैंने आपको बताया था वीडियो में, पिछले स्लाइड में, वैसे ही सेम टू सेम मैं आपको इसमें भी बता रहा हूँ। तो ही इज़ टॉट मतलब उसे पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट ही इज़ बीइंग टॉट, उसे पढ़ाया जा रहा है। कंटिन्यूस टेंस में बींग का हम यूज़ करते हैं प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में फिक्स है, इसी का ही हमें यूज़ करना होता है। तो मैंने ही के साथ में बताया है, आप चाहें तो यहाँ चेंज कर सकते हैं शी इज़ गोइंग, शी इज़ गुड, शी इज़ अ टीचर, शी इज़ टॉट, शी इज़ बींग टॉट। यहाँ पर लड़की की आवाज़ में आपको चेंज करना है। सिंगुलर नाउन ले सकते हैं आप, राम इज़ गोइंग, राम जा रहा है, राम इज़ गुड, राम इज़ अ टीचर, राम इज़ टॉट, राम को पढ़ाया जाता है, राम इज़ बींग टॉट, राम को पढ़ाया जा रहा है। ये दोनों पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के सेंटेंसेज हैं नीचे के दो, ये जो है सेंटेंस ही एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर। यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ में आर का यूज़ करते हैं हम। आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एडजेक्टिव और नाउन सभी आएंगे यहाँ पर सेम टू सेम, वैसे ही मैंने बनाया है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आपको ध्यान रखना है आई के साथ एम आता है, यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ में आर आता है, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में इसका यूज़ होता है जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया है। तो आप ज़रूर याद रखें इसे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपसे गलती नहीं होगी। यू आर गोइंग मतलब तुम जा रहे हो, यू आर गुड तुम अच्छे हो। आप यहाँ पर सिर्फ आपको वर्ब का फॉर्म चेंज करना है और आप हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। यू आर टेलिंग लाई तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर स्लीपिंग तुम सो रहे हो, यू आर कमिंग तुम आ रहे हो, यू आर प्लेइंग तुम खेल रहे हो। इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस को बना सकते हैं और उसे बड़ा भी कर सकते हैं। यू आर गुड तुम अच्छे हो, यू आर ऑनेस्ट तुम ईमानदार हो, यू आर लेज़ी तुम आलसी हो। इस तरह से आप एडजेक्टिव चेंज कर और अपने खुद के सेंटेंस बना सकते हैं। यदि आपको एक सेंटेंस बनाना आ गया तो एक सेंटेंस के आधार पर आप हज़ारों सेंटेंसेस बना सकते हैं आसानी से। यू आर अ टीचर तुम एक शिक्षक हो, यू आर टॉट पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर थर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं आर के साथ में थर्ड फॉर्म हो गया है यहाँ पर। यू आर टॉट, टॉट मीन्स तुम्हें पढ़ाया जाता है। यू आर बींग टॉट मतलब तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आप वी का भी यूज़ कर सकते हैं, वी आर गोइंग, वी आर गुड, वी आर टीचर, ऐसा लग जाएगा ज़्यादा के लिए यहाँ पर। वी आर टॉट हमें पढ़ाया जाता है, यू आर बींग टॉट, वी आर बींग टॉट हमें पढ़ाया जा रहा है। दे का भी यूज़ कर सकते हैं, दे का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोगों की जब हम बात कर रहे हैं, जैसे इसका हिंदी में आ जाता है वे, दे आर गोइंग मीन्स वे जा रहे हैं, दे आर गुड वे अच्छे हैं। साथ ही आप प्लूरल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति जैसे राम, श्याम, मोहन, एक से ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए भी सेम टू सेम स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। अभी हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। ये प्रेजेंट में चल रहा था, अभी हम लोग आ गए हैं पास्ट में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमें वॉज प्लस आई एन जी का यूज़ करना होता है। आई वॉज गोइंग मतलब मैं जा रहा था, आई वॉज स्लीपिंग मैं सो रहा था, आई वॉज टॉकिंग मैं बात कर रहा था, I was working मैं काम कर रहा था, I was good मैं अच्छा था, I was honest मैं ईमानदार था, I was slim मैं दुबला था, I was teacher मैं एक शिक्षक था, I was a captain, I was captain of my team मैं मेरी टीम का कैप्टन था। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, व्यक्ति की यदि आप बात कर रहे हैं तो वो भी आपको डायरेक्ट लगाना है। No. I was taught मुझे पढ़ाया जाता था, ये मुझे पढ़ाया गया था। सेम टू सेम स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, वहाँ पर एम का यूज़ किया था आई के साथ में, यहाँ पर वॉज का यूज़ करना है पास्ट टेंस में। आई वॉज बींग टॉट मुझे पढ़ाया जा रहा था।
कंटिन्यूस टेंस हो गया है ये, आपको याद रखना है। यहाँ पर आप ही यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर शी का यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों के लिए इट का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं आप। सिंगुलर नाउन मीन्स एक व्यक्ति, राम श्याम, आप किसी भी व्यक्ति का नाम जो है एक व्यक्ति को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आप अपने खुद के सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, सुनने से और वीडियो को देखने से इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होगा। यदि आप व्यवहारिक रूप से समझना चाहते हैं तो अपने खुद के सेंटेंसेस बना के ज़रूर देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इम्प्रूव। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। वीडियो देखने से और सिर्फ सुनने से ये समझ में नहीं आएगा, आप अपने खुद के वाक्य बनाकर प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी आप इसे व्यवहारिक रूप से समझ पाएंगे। यू भी देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं और प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको याद रखना है उसमें वर का यूज़ होता है। प्रेजेंट में हमने आर का यूज़ किया था और पास्ट में जो होता है वर का यूज़ होता है। आईएनजी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नाउन में सभी आपको बता रहा हूँ। यू वर गोइंग, तुम जा रहे थे। यू वर टेलिंग लाई, तुम झूठ बोल रहे थे। यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे। इसमें आप देख सकते हैं लास्ट में रहे थे का आवाज़ आ रहा है। आर मतलब रहे हो, रहे थे के लिए हो जाएगा वर। इसे ज़रूर याद रखें आप। यहाँ पर वी दे प्लूरल नाउन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यू वर गुड, तुम अच्छे थे। यू वर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार थे। यू वर लेजी, तुम आलसी थे। यू वर टीचर, तुम एक शिक्षक थे। आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाउन लगा सकते हैं आप। यू वर टॉट, तुम्हें पढ़ाया गया था या तुम्हें पढ़ाया जाता था। यू वर बींग टॉट, तुम्हें पढ़ाया जा रहा था। आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, वी यू दे का आप यूज़ कर सकते हैं और प्लूरल नाउन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर आप याद रखें। इसका नेगेटिव मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार मैं तीनों ही सेंटेंस एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पर। अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव में मैंने आपको बताया, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम करने वाला। आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर और प्लूरल नाउन का आप यहाँ पर यूज़ करते हैं। सबसे पहले वाक्य बनाते समय अफर्मेटिव में याद रखिए सब्जेक्ट, कर्ता, काम करने वाला। फिर इज, एम, आर, वाज, वर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको यूज़ करना है प्रेजेंट या पास्ट में। ये जो तीन है इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। वाज और वर जो है वो पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं। मैंने आपको बताया आईएनजी आ रहा है, आईएनजी भी आ सकता है इनके साथ में, थर्ड फॉर्म भी आ सकता है पैसिव वाइज स्ट्रक्चर में, एडजेक्टिव भी इनके साथ आ सकते हैं और नाउन भी इनके साथ आ सकते हैं। तो आप कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि कहीं पर आपको इनके साथ आईएनजी दिखाई दे रहा है, कहीं पर थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, कहीं पर एडजेक्टिव या नाउन आपको दिखाई दे रहा है, तो कहाँ पर किसका क्या मीनिंग होगा, ये मैंने अभी आपको क्लियर किया है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज, एम, आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपको यूज़ करना है। नेगेटिव में आपको नॉट यहाँ पर यूज़ करना है। ज़्यादातर जो होता है हेल्पिंग वर्ब में, हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके पास में ही नॉट लगता है, जैसे इज़ का इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, कैन नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, वुड नॉट, इसी तरह से यूज़ होता है। बहुत आसान है नेगेटिव। यदि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया है तो बस सिर्फ आपको याद रखना है जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में आपको पास में ही यूज़ करना है नॉट। इसमें भी आप आईएनजी नेगेटिव में, आईएनजी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव और नाउन से सेंटेंस बना सकते हैं। एन मीन्स नाउन का शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पर। यदि आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो बहुत आसान है, क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान रखना है जितने भी जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सब आगे की तरफ आ जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दोनों में अफर्मेटिव और नेगेटिव में सब्जेक्ट आगे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये जितने भी इन हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको उठाकर आप आगे रख दीजिए, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर। ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। He is not going, वह नहीं जा रहा है। Is he going, is he going, क्या वह जा रहा है। बिल्कुल सिंपल है, आप देख सकते हैं। एम के साथ मैं बता देता हूँ आपको। I am good, मैं अच्छा हूँ। I am not good, मैं अच्छा नहीं हूँ। Am I good, क्या मैं अच्छा हूँ। We are playing, हम खेल रहे हैं। We are not playing, हम नहीं खेल रहे हैं। Are we playing, क्या हम खेल रहे हैं। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है। अफर्मेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया है, फिर आईएनजी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नाउन जो भी आपको यूज़ करना है। नेगेटिव में नॉट लगा दीजिए, जब आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर जो है आप आगे रख दीजिए।
यदि वाक्य में आप इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, व्हाई, हु, हूज, हुम, हाउ, तो आपको याद रखना है इंटेरोगेटिव वर्ड के जो स्थान होता है वो वाक्य में सबसे आगे होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब लिया है, फिर सब्जेक्ट है, फिर आईएनजी और थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव नाउन है। यदि कोई इंटेरोगेटिव वर्ड अगर वाक्य में है तो फिर आप सबसे पहले उसे यूज़ करें, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है आपको, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आईएनजी थर्ड फॉर्म और नाउन का आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जगह पर यही जो है कि स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है और आप आसानी से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग, सबसे पहले हो गया वेयर, फिर रहे हो के लिए आर, फिर सब्जेक्ट ले लिया हमने यू, वर्ब हो गया है गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। वह क्यों रो रही है, वाई, रही है के लिए इज, सब्जेक्ट हो गया है, लड़की की बात कर रहे हैं शी, वाई इज शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है, वाई इज शी क्राइंग। वह क्यों रो रही थी, वाई, फिर वॉज, रही थी के लिए, शी क्राइंग। इस तरह से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको सारे वीडियोस के जो हैं स्ट्रक्चर मैंने बताए हैं, आपको किस तरह से बनाना होता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, या वीडियो के लास्ट में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अभी मैं उम्मीद करता हूँ आपके बीच का कन्फ्यूजन जो है थोड़ा दूर हुआ होगा, और यदि अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक दो बार इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि जो कन्फ्यूजन है आपका ज़रूर दूर हो जाएगा। आप अपने सेंटेंस, खुद के सेंटेंस बना के प्रैक्टिस ज़रूर करें तो और भी जल्दी आपको समझ में आएगा। हिंदी भी मैंने साथ में दिया है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अफर्मेटिव सेंटेंस यदि आपको समझ में आ गए हैं तो नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे रख दीजिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, और यदि इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ करना है तो आगे की तरफ लगा दीजिए। मेरी बुक डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश में आपको सभी तरह के जो हैं सेंटेंसेस मिल जाएंगे। उसमें मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव वर्ड के साथ में विथ हिंदी के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है आपको सारे टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉन्वर्सेशन, स्पीच, टॉपिक, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। आप ये बुक चाहें तो अमेज़न से ले सकते हैं, या इस नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं। और यदि आप मेरा डेली 20 मिनट्स कॉन्वर्सेशन का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग पावर। यदि आपकी समस्या बोलने में है तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 90% स्पीकिंग रहता है, 10% राइटिंग वर्क है। इस कोर्स का एम ही है कि आपका जो स्पीकिंग पावर है उसे डेवलप किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन बोलने में परेशानी है। यदि भी आपकी समस्या यही है आपकी समस्या, तो आप ये जो प्रोग्राम है आप ज्वाइन करके एक बार देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे वीडियोस मिल पाएँ और आपका इंग्लिश बोलने का सपना जरूर पूरा हो पाए। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।